हेलो फ्रेंड्स, आज है डे टू। आज है शोल्डर डे। वार्म करने के बाद मैं चला गया ट्रेडमिल पे थोड़ा मैंने लूप बैंड के साथ एक्सरसाइज किया। सबसे पहला एक्सरसाइज मैंने किया शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। ये जो एक्सरसाइज है हमारे रोटेटर कफ को टारगेट करता है। स्पेसिफिकली अगर देखें तो ये इंफ्रास्पिनेटस और टायरस माइनर दो ऐसे मसल हैं, स्पेसिफिक मसल्स हैं हमारे स्कैपुला के पास, यानी कि जो शोल्डर ब्लेड है हमारा वहाँ पर ये लोकेटेड है दोनों के दोनों मसल्स, तो उन्हें टायर करता है। अगर आपको शोल्डर पेन है तो आप ज़रूर ये वाला एक्सरसाइज करें। ये वाला जो एक्सरसाइज है आपके शोल्डर पेन को कम कर देगा। और मेरे को भी शोल्डर पेन था, मैंने इसको किया है लास्ट 1 मंथ से, मैं इसको करते आ रहा हूँ। और काफ़ी आपके शोल्डर को मोबिलिटी, आपका स्टेबिलिटी, आपका ओवरऑल जो हेल्थ है शोल्डर का वो आपका इम्प्रूव होगा इस एक्सरसाइज से। उसके बाद जो मैंने एक्सरसाइज किया वो है स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेस, जिसे आप शोल्डर प्रेस भी बोलते हैं। इसमें स्पेसिफिकली आपका डेल्टॉइड मसल, ट्राइसेस पाची और अपर ट्रापेजियस मसल्स आपके इसमें इंगेज होते हैं। इससे मैं स्टैंडिंग पोजिशन इसलिए करता हूँ ताकि जो मेरा सेराटस इंटीरियर मसल है और साथ ही साथ कोर मसल्स जो है वो भी इंगेज रहे। और क्योंकि एज ए फुटबॉलर स्टेबिलिटी बैलेंस इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं इसे स्टैंडिंग पोजिशन में करता हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो इसे आप बैठ के करें, क्योंकि इससे आपका इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं। उसके बाद मैंने किया फ्रंट रेजेस। इसमें स्पेसिफिकली आपका इंटीरियर डेल्टॉइड मसल टारगेट होता है, साथ ही साथ कुछ सेकेंडरी मसल्स जैसे कि मिडिल डेल्टॉइड, अपर ट्रापेजियस, सेराटस इंटीरियर मसल्स भी इसमें इंगेज होते हैं। इसके बाद मैंने किया साइड रेजेस। ये जो एक्सरसाइज है स्पेसिफिकली आपका लेटरल डेल्टॉइड मसल या फिर मिडिल डेल्टॉइड मसल को टाइट करता है, साथ ही साथ आपका इसमें एंटीरियर डेल्टॉइड, अपर ट्रापेजियस और सेराटस एंटीरियर भी इंगेज रहता है। उसके बाद मैंने ये एक्सरसाइज किया। इस एक्सरसाइज का मैं क्या नाम दूँ मुझे नहीं पता, बट मैं इसे शोल्डर फ्लेक्सी बोलता हूँ, आई मीन जब भी मैं करता हूँ या फिर लिखता हूँ कहीं। एक्चुअली आप इसको क्रॉस बेंच पुल ओवर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट है उस एक्सरसाइज से, तो उससे कंफ्यूज मत होना क्रॉस बेंच पुल ओवर से। ये जो एक्सरसाइज है मैं करता हूँ ताकि मेरा शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन जो है इंक्रीज हो और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी। उसके बाद मैंने वर्कआउट को एंड किया सर्क्स के साथ। सर्क्स बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, ये ज़रूरी है, इसे आप किया कीजिए, क्योंकि यहाँ आपका ट्रापेजियस मसल इंगेज होता है और ट्रापेजियस मसल जो है हमारा शोल्डर ब्लेड्स, अपर बैक और नेक के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, तो ट्रापेजियस मसल को भी ट्रेन करना ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं ट्रापेजियस मसल के लिए। मॉर्निंग के वर्कआउट के बाद इवनिंग को सबसे पहले हमने किया लूप बैंड एक्सरसाइज, अपने ग्लूट्स को और लोअर बॉडी के स्मॉल मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए।
एक्टिवेशन और थोड़ा स्ट्रेचिंग करने के बाद मैंने किया वन टच, सिर्फ और सिर्फ 100 times। वन टच के बाद मैंने किया टर्निंग्स मैंने 50 to 60 times किया होगा, और इवनिंग का सेशन बहुत लाइट था, 30 to 40 minutes का होगा फुल सेशन। तो यही था फ्रेंड्स आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।